वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि किसी का भी जायज काम ना रोका जाए। जुनूबी पंजाब के लोगों को अब लाहौर ना आना पड़े। सेक्रेटरीज दफातर के दरवाजे आवाम के लिए खुले रखें। अफसरान मसाइल के हल के लिए आवाम से राबते बेहतर बनाएं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत मुल्तान में ख़ुसूसी इजलास हुआ, जिसमें जनूबी पंजाब के तरक्याती मनसूबों में पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इजलास में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जाहिद जमान अख्तर, मुल्तान और डेरा गाजी खान के कमिश्नर, RPOs, डिप्टी कमिश्नर और मुतल्लिका हुकाम ने शिरकत की। वज़ीर आला ने बिहाड़ी, मुल्तान, बारथी और फाजला कच्छ के दौरों के दौरान अवामी मुतालबात पर रिपोर्ट मांग ली। उस्मान बुज़दार का कहना था कि अवामी नुमाइंदों की तजावीज और सिफारिशात को मलहूज़े खातिर रखा जाए, किसी का भी जायज काम न रोका जाए। जुनूबी पंजाब के लोगों को अब लाहौर न आना पड़े। जुनूबी पंजाब सेक्रेटरीट के अफसर दिन रात मेहनत करें और आवाम के मसाइल पर भरपूर तवज्जो दें। मसाइल के हल पर पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए खुद मीटिंग करूंगा। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि डेरा गाजी खान के दूर दराज इलाकों में पुलिस का गश्त दोबारा शुरू करवाया जाए। अफसरान मसाइल के हल के लिए आवाम से राबते बेहतर बनाएं। अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए कोई कसर उठा न रखी जाए।